हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में घन की सबसे आसान ट्रिक सीखने वाले हैं। इस ट्रिक से दो अंकों की किसी भी संख्या का घन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रिक से हमको क्यूब ज्ञात करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमको 1 से लेकर 9 तक के सभी संख्याओं के घन हमको पता होने चाहिए। तो पहले हम 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं के घन लिख लेते हैं। 1 का घन 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होगा 3 * 9, 29, 27, 4 का घन होता है 4 * 16 और 16 * 64, 5 का घन होता है 5 * 25 और 25 * 125, 6 का घन होगा 6 * 36 और 36 * 216, 7 का घन होता है 7 * 49 और 49 * 343, 8 का घन होता है 8 * 64 और 64 * 512, 9 का घन होगा 9 * 81 और 81 * 729। इस प्रकार से हमको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के घन ज्ञात होने चाहिए, मालूम होने चाहिए, तब हम इस ट्रिक को लगा सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, जैसे हमको 17 का क्यूब निकालना है तो 17 * 17, फिर 3 बार ऐसे हम 17 17 और 17 ऊपर नीचे 3 बार लिख लिया। अब इनको क्या करना है, ट्रिक हमारी क्या है, तो ट्रिक ये है कि पहली जो संख्या है उसका हम जैसे गुणा करवाते हैं तो वैसे ही गुणा कराएंगे। तो 7 * 47 * 49 * 47 * 347, मतलब पहली संख्या का जो है हम क्यूब कर लेंगे और क्यूब को यहाँ लिख लिया। तो पहली संख्या है 7, गुणे में हमेशा बाएं से करते हैं तो बाएं से ही करेंगे। तो पहला है 7, तो 7 का क्यूब है, 3 बार गुणे में है तो क्यूब हो गया। तो क्यूब कितना होता है, 343। और गुणे का ही नियम फॉलो करेंगे तो एक स्थान हम क्रॉस कर देंगे, खाली कर देंगे। फिर दूसरे में क्या करेंगे, दूसरा जो है फिर इधर से हम क्या करेंगे, ये 7 * 7 = 49 और इसकी गुणा हम इधर 1 में कराएंगे। तो दूसरा दूसरा जो स्टेप होता है तो वो 7 * 49 यानी इनका स्क्वायर कर लेंगे और 1 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसका 3 से हम 3 गुना कर देंगे। तो 7 * 49 49 आया तो 49 का हम 3 गुना करेंगे, 3 * 27 = 7 और 3 * 4 = 12 और 2 हासिल जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 14। दूसरा स्टेप क्या होगा, 2 स्थान खाली छोड़ दिए जैसे गुणे में करते हैं, इधर से 1 * 1 = 1 और इसकी गुणा कहाँ कराएंगे, इस वाले 7 में। तो 1 * 1 = 1 आया तो 7 से गुणा करेंगे, 7 आएगा, 3 गुना कर देंगे, तात्रिक 21। चौथे स्टेप में 3 जगह खाली छोड़ेंगे और तीसरा जो स्टेप होगा तो ये होगा, इधर वाली संख्या का क्यूब कर लेंगे, 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इनको जोड़ लेंगे तो 3 * 4 = 11 का 1, 4 * 3 = 7 = 1 8, इधर का 1 हासिल 9, इधर जोड़ेंगे तो 1 2 3 1 4, ये हो गया 17 का क्यूब। दूसरी संख्या हमने 38 ली है तो 38 का अगर इसी ट्रिक से निकालेंगे तो 38 38 38 हमने 3 बार लिख लिया। अब क्या करना है, पहली संख्या का क्यूब करना है, इधर इकाई की अंक है उसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, क्यूब करेंगे 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 लिख लिया। फिर 1 स्थान खाली जगह छोड़ के फिर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 * 64 और 3 से गुणा कर देंगे इधर वाली संख्या से और उसका 3 गुना कर लेंगे, 8 * 64 और 64 का 3 गुना करेंगे तो 6 * 3 = 18, 192, 192 का 3 गुना करेंगे 576। अगला स्टेप 3 का स्क्वायर करेंगे और 8 से गुणा कर देंगे, 3 * 9, 9 * 72 और 72 का 3 गुना करेंगे, 7 * 3 = 21, 216 हो जाएगा। 2 जगह खाली छोड़ लेंगे, 216 और चौथे स्टेप में 3 जगह खाली छोड़ना है और इस वाली संख्या का 3 का क्यूब कर लेंगे तो 3 * 9 = 27। अब इनको जोड़ लेंगे तो 2 7 5 12 5 7 12 6 18 8 और इधर 5 * 1 = 6 और 7 = 13, 1 हासिल जोड़ेंगे, 14 * 4 और 2 * 2 = 4
5, अड़तीस का जो क्यूब आया कितना है, 54,872। तो 38 का क्यूब क्या होगा, 54,872 होगा। अगली संख्या है 54, तो 54 का क्यूब करेंगे, 54 का क्यूब करते हैं, 3 बार लिख लिया, लाइन खींचा, इधर वाली संख्या का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 पंजे 80, 80 का 3 गुणा, 8 3 का 24, एक स्थान खाली छोड़ेंगे तो ये 240 आया। फिर दूसरा स्टेप 5 का वर्क करेंगे, 55 25, और 25 चौके 100, 100 का 3 गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो 2 खाली जगह छोड़ना है तो 2 खाली जगह छोड़ दिया, फिर 300। अब चौथे स्टेप में क्या करना होता है, इस वाली संख्या का क्यूब करेंगे, मतलब 5 का क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125। अब इनको जोड़ लेंगे, 6 4 4 7, और ये हो गया 5 और 1, ये आ गया 157, 446, ये हो गया इसका क्यूब हो गया 54 का, 157, 446। अगली संख्या हमारी 82 है, तो 82 को 3 बार लिख लिया। फिर क्या करेंगे, पहली संख्या 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, फिर पहली खाली जगह छोड़ते हैं, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे और 8 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 8 32, और 32 का 3 गुना कर लेंगे तो 96। 2 खाली जगह छोड़ेंगे, इधर से 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, 64 दूनी 128, और 128 का कर लेंगे 3 गुना, 384 होगा। फिर क्या करना है, अगले स्टेप में 8 का क्यूब करना है, 3 खाली जगह छोड़ना है, तो आप 3 खाली जगह छोड़ा और 8 का क्यूब कर दिया, 512 जोड़ देंगे तो 8 6, इधर जोड़ेंगे तो 9 4 13, 8 2 10, और 10 में 1 हासिल 11 का 1, फिर 3 1 4 1 हासिल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, और फिर ये 5, ये आ गया 551, 338, 82 का क्यूब हो गया, 551, 368, 82 का क्यूब हो गया। इसी प्रकार से किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो, हम इस ट्रिक से उसका क्यूब निकाल सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करने पर ये ट्रिक बहुत ही आसानी से और सरलता से हम सीख जाएंगे। अभी 91 का क्यूब निकालना है, तो 91 का क्यूब आपके लिए एक होमवर्क है, क्या आप क्यूब निकालें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।